अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज्जिज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूमी रहमतुल्ला अलैह ने सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्ला अलैह का एक अजीब वाकया लिखा है, जो बड़ा इबरत खेज और सबक आमोज है। वो ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में चोरों का कुछ जोर हो गया था। बादशाह इस वजह से बड़ा परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली। सुल्तान महमूद गजनवी ने शाही लिबास उतारकर चोरों का सा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी भी उनमें जाकर बैठ गए। चोरों ने पूछा, तुम कौन हो? सुल्तान महमूद गजनवी ने जवाब दिया कि मैं भी तुम जैसा हूं। चोरों ने समझा कि शायद ये भी कोई चोर हैं। चोरों ने कहा कि तुम कोई अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई हुनर हुआ तो हम तुम्हें अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूं, अगरचे बादशाह का कला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, मेरी नाक की यह खासियत है कि मैं किसी जगह की मट्टी सूंघ कर बता देता हूं कि यहां खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उस घर की दीवार तक में सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। पांचवें चोर ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा, मेरी आंख की यह खासियत है कि जिस चीज को रात के अंधेरे में भी देख लेता हूं, दिन में उसे पहचान लेता हूं। अब अपनी खासियत बताने की बारी सुल्तान महमूद गजनवी की थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह थे तो उन्होंने इस खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिल सकती है। फिर सबने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के हाथ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला मौजूद है। लिहाजा सबके सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो सबने कुत्ते की आवाज पहचानने वाले चोर से कहा कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। कुत्ते की आवाज पहचानने वाला चोर कहने लगा कि अगर मैं तुम सब लोगों को बताऊं कि ये कुत्ता क्या कह रहा है तो तुम सब लोग हंसने लग जाओगे। बाकी पांचों चोरों ने पूछा, हाँ बताओ तो सही, ये कुत्ता कह क्या रहा है? तो उस चोर ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि आज तुम लोगों के साथ बादशाह भी शरीक है। तमाम चोरों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और चोरी करने के पुख्ता इरादे से बाज ना आए और बादशाह के हाँ चोरी कर डाली और खजाना लूट कर जंगल की तरफ आए। वहां बैठकर माहिरे हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सब कुछ तकसीम कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो, ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबका पता याद कर लिया और सबने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने अदालत लगवाई और सिपाहियों को पता देकर हुक्म दिया कि इन सब लोगों को पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब छह के छह चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्ताए दार से चिल्लाया कि हुजूर,
कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्ता-ए-दार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था जब मुजरिमों को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाता है, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा हम छह ने तो अपना हुनर दिखा दिया, अब आप जनाब भी अपना हुनर जाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान इस चोर की बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। अब मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूँ। जाओ, तुम सब आजाद हो। चोरों ने अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासिर हुए और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिरकर माफी मांगी और आइंदा चोरी से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करने का सच्चा वादा करके शाही दरबार से रुखसत हो गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बरवक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।